बॉक्स प्लीट स्कर्ट उसके लिए हमें 2.5 मीटर अस्तर लगेगा। मुख्य कपड़ा 3 मीटर लगेगा। कमर पर लगाने के लिए 1 मीटर 1.5 इंच चौड़ी कैनवस पट्टी और इनविजिबल चेन। यहाँ पर हमने अस्तर की घड़ी ली है। उसकी दिखाए अनुसार तिरछी घड़ी करें। यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा अधिक 1 इंच ले। यहाँ पर पूरी कमर 36 इंच है, इसीलिए हमने 9 अधिक 1 इंच लिया है। यहाँ पर हमने मुख्य कपड़े से 1 इंच कम लंबाई ली है। इस तरह सभी जगह पर लंबाई के नाप आंके। बॉटम पर दिखाए अनुसार गोल आकार दे। इस तरह हमने अस्तर कट कर लिया है। मुख्य कपड़े का घेरा हम 3 मीटर लेने वाले हैं। यहाँ पर 1 मीटर, 2 और 3 मीटर कपड़ा है। कपड़े की लंबाई हमने पूरी लंबाई से 1 इंच ज्यादा ली है। यहाँ पर हमने पेपर लिया है। पेपर की चौड़ाई आप 2 से 3 इंच तक रखें। पेपर की लंबाई यहाँ पर पूरे कमर जितनी यानी 36 इंच की होनी चाहिए। और दोनों तरफ 1 इंच मार्जिन रखें। इस 36 इंच पर आपको जितनी बॉक्स प्लीट चाहिए उतने हिस्से करें। यहाँ पर हम 12 प्लीट्स लेने वाले हैं। इसीलिए हमने पेपर के 12 हिस्से किए हैं। यहाँ पर हमने 3 मीटर का कपड़ा लिया है। पेपर अनुसार कपड़े के भी हम 12 हिस्से करने वाले हैं। अब हम कपड़े की मार्किंग पर पेपर की मार्किंग मैच करके वापस स्टेपल करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कागज की 12 मार्किंग पर कपड़े की 12 मार्किंग मैच करके पिन लगाई है। यहाँ पर हमने बॉक्स प्लीट बनाए हैं। यहाँ पर दिखाए अनुसार इस कपड़े की बॉक्स प्लीट बनाएं। बनाकर वापस स्टेपल करें। इसी तरह बची हुई बॉक्स प्लीट बनाएं। यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाकर इन प्लीट्स को जोड़ें।
यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद पेपर और स्टेपल निकाले। यहाँ पर हमने सभी प्लीट्स 4 इंच तक सिलाई लगाकर जोड़ ली है। अस्तर के दोनों हिस्से रखें। अस्तर की एक साइड पर सिलाई लगाएं। अस्तर की बॉटम भी मोड़कर सिलाई लगाएं। दिखाए अनुसार कपड़े पर अस्तर रखें। कमर और दोनों साइड पर सिलाई लगाकर अस्तर जोड़ें। यहाँ पर हमने साइड और कमर पर सिलाई लगाई है। दूसरी साइड पर 6.5 इंच छोड़कर बची हुई साइड जोड़ें। यहाँ पर हमने 6.5 इंच ओपन रखा है। यहाँ पर हम जिप लगाने वाले हैं। यहाँ पर कमर की मार्किंग की है। अब दिखाए अनुसार जिप जोड़ें। बची हुई जिप कट करें और वहां पर कपड़ा लगाकर लॉक करें। यहाँ पर हमने बेल्ट कैनवस कमर से 3 इंच ज्यादा लिया है। कपड़े की चौड़ाई हमने 6.5 इंच ली है। ऊपर से 0.5 इंच छोड़कर कपड़े पर कैनवस इस्त्री से चिपकाएं। यहाँ पर हमने कैनवस चिपका लिया है। यहाँ पर हमने 0.5 इंच मार्जिन रखी है। बेल्ट को दिखाए अनुसार ऊपर से मोड़े। इस तरह हम पूरा बेल्ट जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर मोड़ कर सिलाई लगाएं और पूरे बेल्ट की फिनिशिंग करें।
यहाँ पर दिखाए अनुसार सिलाई लगाकर पूरा बेल्ट जोड़े। हमने पूरा बेल्ट जोड़ लिया है। अब हम स्कर्ट के बॉटम पर सिलाई लगाने वाले हैं। दिखाए अनुसार पहले 5 इंच मोड़े और फिर 1.5 इंच मोड़कर पूरी बॉटम पर सिलाई करें। हमारा बॉक्स प्लीट स्कर्ट तैयार हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।